मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी सी डब्ल्यू कॉपी एंड ग्रामर पोर्शन। बात कर रहे थे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, कालवाचक, संकेतवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक क्या होते हैं? जिसमें समय का बोध कराते हैं, सुबह शाम, कल परसों आज, ये कालवाचक होते हैं। स्थानवाचक जो किसी जगह के बारे में बताते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, इसको स्थानवाचक कहते हैं। परिमाणवाचक जिसकी मात्रा बताते हैं, कम ज़्यादा बहुत थोड़ा। और रीतिवाचक जो किसी भी चीज़ की स्थिति बताते हैं, तेज धीरे आसानी से, इस टाइप के। तो चलिए शुरू करते लिखना क्रिया विशेषण। तो आज की डेट डालिए 23/2/21। हेडिंग डालेंगे अपन क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा लिखेंगे। क्रिया की, क्रिया तो आपको पता है ना, किसी कार्य के करना या होना क्रिया कहलाता है। उसको कैसे करते हैं, उसकी जो विशेषता बताते हैं, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते? चार प्रकार के होते। तो क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक है कालवाचक। क्रिया विशेषण क्रिया के समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, आज, कल, सदा, सुबह, शाम, रात। अब नंबर दो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थान जैसे नीचे, ऊपर, यहाँ, वहाँ, उधर आदि।
जैसे पेड़ के नीचे कोई क्या पड़ा है, राम सीता के पीछे खड़ा है, इस तरह से। नंबर 3 होता है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का मात्रा होती है उसको परिमाण बोलते हैं, तो उसकी मात्रा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, तनिक, बहुत, उतना। नंबर 4 होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति में, रीति मतलब ढंग, क्रिया के होने के ढंग का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आदि। तो क्रिया विशेषण आपको पता चला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और जो पहला होता है कालवाचक, उसमें इसके लिए प्रश्नवाचक कौन सा शब्द यूज किया जाता है, कब। काल मतलब कब, इसका कब, आजकल, परसों के लिए कब आएगा। स्थानवाचक मतलब उसके लिए आएगा कहाँ। परिमाणवाचक के लिए होगा कितना, और रीतिवाचक के लिए होगा किधर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।